तो गाइस आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर इंटरनेट क्या है और आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है, और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि आखिर इंटरनेट चलता कैसे है। हाँ तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर इंटरनेट है क्या। हाँ तो गाइस इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब आप इंटरनेट के मदद से दुनिया के किसी भी जगह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बात बता दें कि सन 1969 में जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था, तब यूएस के रक्षा कार्यालय ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARPA को नियुक्त किया था। उस वक्त 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था जिसमें उन्होंने डाटा एक्सचेंज और शेयर किया था। बाद में इसे कई एजेंसी के साथ जोड़ दिया गया और धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ता गया और बाद में ये आम लोगों के लिए भी ओपन हो गया। और इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट में किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता, मतलब इंटरनेट को किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता। और इंडिया में सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को सरकारी कंपनी BSNL ने इंटरनेट की शुरुआत किया था। बाद में धीरे धीरे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, रिलायंस, आइडिया ने इंटरनेट का स्टार्ट किया। और आइए अब जानते हैं कि आखिर इंटरनेट कैसे चलता है। हाँ तो गाइस आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर कोई बादल है जिसके अंदर इंटरनेट के सारे डाटा स्टोर रहते हैं और वहीं से इंटरनेट चलता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा इंटरनेट हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह से भी नहीं चलता, और उपग्रह से पहले चलता था लेकिन ये तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी और उसमें डाटा भी बहुत स्लो लोड होता था। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी ही तकनीक खोज निकाली जिससे आज हम फास्ट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तकनीक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का। हाँ तो गाइस ये बात सच है कि हमने 800,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र में बिछाए हैं जिससे हमारे इंटरनेट का 90% यूज होता है। और समुद्र का वही ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाते हैं जिसमें कम नुकसान और कम लागत आती है। और चूंकि केबल को समुद्र में बिछाया जाता है जिससे बड़े बड़े जहाज भी चलते हैं समुद्र में, और कभी कभी जहाज के लंगर से भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान हो जाता है। ऐसे ही कुछ 13 जनवरी 2008 में मिस्र देश में हुआ था जिसके कारण मिस्र देश का 70% इंटरनेट बंद हो गया था। और इस समस्या का समाधान किया गया था, ऐसे कई टीम बनाई गई थी जो कि 24 घंटे में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को निगरानी करती है 24 घंटे। यदि कहीं भी किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान होता है तो ये टीम उसे जल्दी जल्दी से ठीक कर देती है। और आपको पता चल ही गया होगा कि 90% इंटरनेट केबल के जरिए चलता है, लेकिन 10% कहाँ से चलता है, ये भी आपके सवाल होगा मन में। ये 10% इंटरनेट खुफिया एजेंसी के द्वारा एक्सेस किया जाता है जो कि उपग्रह से चलता है, और इस इंटरनेट को हम आम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। और आइए अब जानते हैं कि आखिर इंटरनेट कैसे काम करता है। हाँ तो गाइस आजकल हम सारे इंटरनेट का यूज़ करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें मतलब तीन हिस्से में समझते हैं। पहला होता है कि ई सर्वर जिसमें दुनिया का सभी जानकारी सेव रहता है, और दूसरा इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, रिलायंस, आइडिया जो कि हमें सर्वर से जानकारी भेजती है, और तीसरा हमारे PC या मोबाइल जो ब्राउज करके जिससे हमें जानकारी सर्च करते हैं। और जब हम किसी भी जानकारी, इमेज या वीडियो को हमारे ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो ये रिक्वेस्ट हमारे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है और ये नेट प्रोवाइडर सर्वर पर सर्च करता है। इसके बाद सर्वर उस जानकारी को इंटरनेट प्रोवाइडर को भेजता है और इंटरनेट प्रोवाइडर जानकारी को हमें भेजता है। ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है जिसमें कुछ सेकंड ही लगता है और आपको आपके जानकारी मिल जाता है। हाँ तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि आखिर इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है और कैसे चलता है। हाँ तो गाइस हम आशा करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ये जानकारी आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हाँ तो गाइस मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में।